अभी तो सूरज उगा है, इसी के साथ ही भारत ने अपना सबसे पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए आज भी सबकी निगाहें आदित्य एल-1 के लॉन्च पर उसी तरह लगी रही जिस तरह से चंद्रयान-3 की सफलता की तरफ लगी हुई थी। जाहिर है अब दुनिया भारत के अंतरिक्ष में लग रही लंबी छलांग को देख रही है। श्री हरिकोटा के इसरो सेंटर से काउंटडाउन शुरू होते ही आदित्य एल-1 ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भर दी। सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि एक तरफ लॉन्च की तस्वीरें देख देश गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ शुरुआती 5 के बाद कुछ देर के लिए लगा जैसे मानो कोई चुनौती सामने आ रही हो। हालांकि श्री हरिकोटा के इसरो सेंटर से काउंटडाउन शुरू होते ही आदित्य एल-1 ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भर दी। सुबह 11:50 पर श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। आपको बता दें कि एक तरफ लॉन्च की तस्वीरें देख देश गर्व कर रहा था, तो दूसरी तरफ शुरुआती 5 के बाद कुछ देर के लिए लगा जैसे मानो कोई चुनौती सामने आ रही हो। हालांकि इसरो के महान वैज्ञानिक किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। आप देखें कि ये हमारे को लाइन थी जो ट्रैजेक्टरी चाहिए और हम ऑलरेडी उससे बेटर ट्रैजेक्टरी, उस बहुत बढ़िया ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं। शुरू में हमने देखा कि इसमें वेरिएशन था और उस वेरिएशन को खत्म करके अब हमारा रॉकेट बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। आप देखें ये जो 2 हैं ये मैचिंग पॉइंट्स हैं जहां पे जा करके हम लोग इसकी लॉन्चिंग को फाइनली हम आदित्य को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। इस शुरुआती दौर में इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी दक्षता का परिचय दिखाते हुए आदित्य एल-1 की कमान पूरी तरह से संभाले रखी जैसे मानो ये सूरज की ओर सीना तान कर आगे बढ़ रहा हो। इसरो ने साफ कर दिया कि PSLV-XL ने हमेशा की ही तरह अपना काम बखूबी निभाया है। भारत ने आदित्य एल-1 मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च के बाद मिशन कंट्रोल रूम में करीब 26-27 बेहद टेंशन के मिनट थे, क्योंकि ये वो समय था जब PSLV रॉकेट लॉन्च होने के बाद भारत के अपने कम्युनिकेशन और शिप बेस्ड ट्रैकर्स की नजर से उनकी निगरानी से दूर था, इसलिए भारत को उसके लिए निर्भर होना पड़ा। दूसरे ट्रैकिंग स्टेशन के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ी, लेकिन लॉन्च के इस टेंशन के 27 के बीतने के बाद वो क्षण भी आया जब भारत के शिप बेस्ड ट्रैकर्स और भारत का जो ट्रैकिंग नेटवर्क है वो अपने आदित्य मिशन को ट्रैक कर पा रहा था। और उसके बाद जैसे ही मिशन कंट्रोल रूम के अंदर ये अनाउंसमेंट हुआ कि आदित्य सैटेलाइट सेपरेटेड, इस घोषणा के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से वो मिशन कंट्रोल रूम गूंज उठा और उसके बाद हर किसी ने राहत की सांस ली। जाहिर है इस तरह के मिशन किसी भी देश के लिए हमेशा चुनौती भरे होते हैं। आपको बता दें कि आदित्य एल-1 ने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है, 100 भी तैनात है। कक्षा को ऊपर उठाने के लिए पहली थर्ड बाउंड फायरिंग 3 सितंबर को लगभग 11:45 पर निर्धारित है। आखिरकार इसरो चीफ ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि पृथ्वी के कक्षा में हमारा आदित्य एल-1 सफलता पूर्वक लॉन्च हो गया है। यानी आदित्य एल-1 अंतरिक्ष यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया, जहां से ये आगे के सफर की ओर बढ़ गया और अगले 125 दिन तक बिना रुके बिना थके अपने टारगेट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट PSLV फॉर सच ए वेरी डिफरेंट मिशन अप्रोच टुडे टू डू दिस मिशन ऑफ आदित्य एल-1 टू पुट इट इन द राइट ऑर्बिट, वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट 125 डेज। So let us wish all the very best to Aditya spacecraft.
अभियान से जुड़े इसरो के महान वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि ये एक सपने के सच होने जैसा ही है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर टीम आदित्य L1 एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आदित्य L1 इज इंजेक्टेड इन द इंटेंडेड ऑर्बिट फ्लॉलेसली बाय PSLV एज ऑलवेज एंड आदित्य L1 सोलर पैनल्स आर डिप्लॉयड। And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. PM मोदी ने एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाते हुए ट्वीट किया है और कहा है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। आजादी के अमृत काल में पहले चंद्रयान 3 की सफलता और अब सूरज के करीब जा रहे आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर पूरे देश की निगाहें लगी रही थी। श्रीहरिकोटा में भी लोग इस मिशन के सफल होने का साक्षी बन रहे थे। इसरो चीफ और हमारे महान वैज्ञानिकों को गृहमंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लोकसभा स्पीकर खुद इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे, जबकि देश भर में लोग भी अपने टीवी सेट्स और मोबाइल फोन पर इस ऐतिहासिक पल को देख रहे थे। 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके आदित्य यान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसके अगले मिशन पर सबकी निगाहें रहेंगी। सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा, अब सबको ये जानना जरूरी है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति भी देखेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी जुटाएगा, जबकि पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। यही नहीं, इस मिशन के दौरान सूर्य के कोरोना का भी आदित्य L1 गहरा अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। सूरज का मिशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच चांद से भी देश को खुशखबरी मिली है। आपको बता दें कि इसरो ने जानकारी दी है कि रोवर प्रज्ञान ने अब तक अपना 100 मीटर का सफर पूरा कर लिया है, यानी अब भारत सूरज और चांद पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार है। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों में उत्साह है। अब आपको बताते हैं आदित्य L1 कैसे अपना आगे का सफर तय करेगा। सफल लॉन्चिंग के बाद आगे के सफर से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से भारत के पहले सूर्य मिशन की लॉन्चिंग हुई। करीब 63 मिनट बाद आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में सफलता के साथ स्थापित किया गया। 16 दिनों तक ये पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा और इसके बाद थ्रस्टर फायर के जरिए L1 पॉइंट की ओर ये आगे बढ़ेगा। L1 पॉइंट तक पहुंचने में भारत के सोलर मिशन को करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। 4 महीने लगेंगे। इस दौरान ये मिशन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से थ्रस्टर फायरिंग की जाएगी और आदित्य L1 को ऑर्बिट में डाला जाएगा। Zini.